हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी और मैसेज आ रहे थे कि आप जो है अजमेर की सारी वीडियो बना रही हैं, तो हमको जो है अजमेर का बस स्टैंड दिखाइए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ अजमेर का बस स्टैंड। तो आप सब देख लीजिए, ये है अजमेर का बस स्टैंड। और ये बस स्टैंड जो है काफ़ी बड़ा है और ये अजमेर शहर के बीचों बीच में पड़ता है बस स्टैंड। और रेलवे स्टेशन जो है बस स्टैंड से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर पड़ेगा बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन। तो आप जो है अगर बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाते हैं तो जा सकते हैं आराम से, 2 किलोमीटर पड़ेगा, टेम्पो कर लेंगे बाहर से आराम से जा सकते हैं। और जैसे कि अजमेर में बहुत सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, तो आप जो है अगर बस स्टैंड से आते हैं तो बस स्टैंड से जो है आपको जितने भी प्लेसेस हैं अजमेर के, ज़्यादा दूर नहीं है, पास पास में ही है, 15 मिनट 10 मिनट ऐसे ही जो सारे प्लेसेस हैं, जैसे दरगाह हो गया और ढाई दिन का झोपड़ा हो गया, आना सागर हो गया, और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं अजमेर में घूमने के लिए। तो आप सब जो है अगर बस स्टैंड से भी आते हैं तो आप आराम से घूम सकते हैं, बाहर टेम्पो कर लीजिए और 10 मिनट में आपको जो है छोड़ देगा, तो आप आराम से घूम सकते हैं। और बस स्टैंड में जो है काफ़ी सुविधा है, सारी सुविधा है, यहाँ पे कैंटीन भी है और पानी की भी सुविधा है। और ये बस स्टैंड काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर जो सारी बसें उपलब्ध हैं, आपको राजस्थान में कहीं भी आना जाना हो आराम से जा सकते हैं। और मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप दिखाइए बस स्टैंड, तो मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ, तो आप सब देख लीजिए। और काफ़ी सुविधा यहाँ पर, टिकट की भी सुविधा बहुत अच्छी है और यहाँ पर जो है साफ़ सफ़ाई भी बहुत अच्छे से रहती है। अगर आप कहेंगे कि जो है बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के रास्ता की वीडियो बनाइए, तो मैं उस पर भी वीडियो आप सबको बना के दे दूँगी, आप सब कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप सबको अजमेर की कोई और जानकारी चाहिए, कोई और वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और मैंने अजमेर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको कोई अजमेर से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मैंने बनाई है, आप जाके एक बार चेकआउट करिएगा आप। और अगर आप सबको पसंद आए तो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो, आप सबको जानकारी मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक जानकारी पहुंच पाए मेरी, जो मैं जानकारी आप सबको दे रही हूँ। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मैं ऐसी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। तो आप सब देख लीजिए, ये है अजमेर का बस स्टैंड और सुबह से शाम तक जो यहाँ पर भीड़ रहती है आप सब देख ही सकते हैं। और यहाँ पर जो है बैठने की भी अच्छी सुविधा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं बैठने की सुविधा है और पंखे भी लगे हुए हैं अंदर, गर्मियों में आराम से बैठ सकते हैं, पंखे सारी जगह पंखे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सब देख लीजिए, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सब ऐसे देखते रहिए वीडियो को मेरे। अजमेर बस स्टैंड में सारी सुविधाएं हैं, जैसा कि आप सब देख ही सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पर जो है कैमरे भी लगे हुए हैं, और बाहर जो है पुलिस की ड्यूटी भी लगी रहती है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, तो सावधानियों, सुरक्षाओं, मतलब जो यात्री आते हैं उनकी सुरक्षाओं के लिए पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है। और बाहर जब आप निकलेंगे तो पुलिस वाले आपको खड़े मिल जाएंगे, उनकी ड्यूटी हमेशा यहाँ रहती है, ताकि यहाँ पर कोई घटना ना हो पाए, और इसलिए सारी सुविधा रहती है, किसी चीज़ का जो है खतरा नहीं रहता। अगर आप सब अजमेर आना चाहते हैं तो अजमेर आ सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो है अजमेर में बहुत तेज़ बरसात हुई थी, तो जो लोग आना चाहते थे अजमेर उन्होंने कैंसिल कर दिया आने के लिए कि अजमेर में बरसात हो रही है इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो उनसे ये कहना चाहूँगी कि बरसात अजमेर में नहीं हो रही है, आप अगर अजमेर आना चाहते हैं, दरगाह शरीफ घूमना चाहते हैं या अजमेर का कोई भी प्लेसेस घूमना चाहते हैं, तो आप अभी आ सकते हैं, अजमेर में कोई बरसात नहीं हो रही है। और आप आराम से जो है रेलवे स्टेशन से रेलवे के ज़रिए भी आ सकते हैं, बस स्टैंड के ज़रिए भी आ सकते हैं, तो आप आराम से अजमेर घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने जो है अजमेर बस स्टैंड की वीडियो बनाई, तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।